नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। वर्तमान में एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है और कब तक इसे जनता के लिए खोला जाएगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80-90% काम पूरा हो चुका है। देखा जाए तो अभी कुछ मेगा ब्रिजेस, अंडरपास, फ्लाईवे आदि का काम बाकी है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगातार एक्सप्रेसवे को पूरा करने में लगी हुई हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए 2 रुपए और 19 पैसे के लगभग टोल वसूला जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक 1350 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको कुल 2956 रुपए का टोल पे करना होगा। एक्सप्रेसवे पर आपको कई जगह पर वे साइड एमिनिटीज मिल जाएगी, जहाँ पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर, होटल्स, चार्जिंग स्टेशन आदि मिल जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार आने वाली 26 जनवरी 2023 से पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रैफिक जाम से तो राहत मिलेगी ही, इसके साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए शहरों और ग्रामीण इलाकों का तेजी से विकास होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों, देश में चल रही सभी योजनाओं की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।